पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए गुरुग्राम के श्रीराम ग्लोबल स्कूल में स्कूली छात्रों और प्रबंधन ने इस घटना की घोर निंदा की है और हमले में शहीद हुए परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए शांति मार्च निकाला। देखते हैं उप यादव की ये रिपोर्ट। सीआरपीएफ की बस पर पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है और इसे लेकर समाज के हर वर्ग से हमले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की प्रक्रियाएं भी आ रही हैं। आलम यह है कि देश के हर व्यक्ति का खून खौल रहा है। पुलवामा में शहीद हुए जवानों के सम्मान में श्रद्धा सुमन पेश करते हुए गुरुग्राम में स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने आतंकवाद के खिलाफ शांति मार्च निकाला। इन बच्चों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर मार्च किया और सीमा पार से आतंक फैला रहे पाकिस्तान की आकाओं को इस जघन्य कृत्य को जिम्मेदार ठहराते हुए शहीद हुए जवानों के परिवार के प्रति संवेदनाएं दर्शाकर शांति के लिए प्रार्थना की। रिसेंटली आर किड्स हैव टेकन पार्ट इन अ पीस मार्च वेयर दे पे ट्रिब्यूट टू द सोल्जर्स हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ इन पुलवामा टेररिस्ट अटैक। विद दिस peace march, our children have showed their support and love to the soldiers who have loved their country unconditionally and died for the country. I hope with this message, the families and friends of these soldiers find peace and tranquility and also bless our kids who have done this peace march on their behalf. पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए इन स्कूली बच्चों ने संदेश दिया कि भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है और पड़ोसी देश के साथ मधुर संबंध में विश्वास करता है, लेकिन गुस्से में तब्दील इन मासूम बच्चों की आंखों में धधकती ज्वाला आतंकियों से कह रही है कि हम किसी देश को छेड़ते नहीं, लेकिन जो देश हमारे देश की शांति में बाधा डालने का कृत्य करता है उसे हम छोड़ते भी नहीं। ब्यूरो इनपुट के साथ ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।